नमस्कार, मैं महेश चंदेवा आज अक्षरा वाइस के बाल ज्ञान में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको लेकर के आए हैं चबूतरा थिएटर पाठशाला। सुनो, आगे नहीं पढ़ रहा। अरे भाई अमन, बहुत दिनों से दिखा नहीं है, तू विदेश घूमने चला गया था क्या? अरे ये सब छोड़, ये देख विदेश का लेटर। इससे क्या होता है, पैसे से मिलेंगे क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, लव लेटर है। लव लेटर? हाँ। किस बदनसीब ने तुझे लव लेटर दे दिया? खुद को देख, खुद को तो कोई मुंह नहीं लगाता, हमको बता रहे हैं। चल चल, पढ़ के सुना। एक साल से दिल के करीब दबा के रखे हैं का। एक साल से? हाँ, पढ़ के देख क्या क्या लिखा है। मेरे तो बचपन की कॉपियां फट गई, तूने लव लेटर बजा के रखा है। पढ़ पढ़ भाई। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरी आंखें कमजोर हो गई। मतलब ये कितनी है? दो। मुझे भी दो ही दिखाई दे रही है। हाँ तो, पर इस लेटर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे लेटर में कुछ नहीं लिखा है, सादा दिया था उसने, कहा था फील कर लेना बस। फील कर लेना? एक साल से फील ही कर रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। अरे वाह, पता नहीं तेरा कैसा लव लेटर है, तू तो फील ही करता जा रहा है। मुझे देना, फट जाएगा। अरे ला, मैं देखूं तो जरा। मेरा एक साल पुराना लेटर फाड़ दे, एक साल से रखा था। ए भाई, तुझे पता नहीं है ये सब कूड़ा करकट, ये सब फाड़ना फूड़ना कितना बड़ा नुकसान है। अब ये कागज जलाएंगे लोग, फट जाएगा। हटो इसे, हटो, सारा तो मत फेंको। चलो ये बुढ़िया चाची रहती ना, इसके दरवाजे डाल देना, वैसे भी मेरे घर के आगे बहुत कूड़ा डालती है। चलाओ चाय पिला इसी बहाने। ओ, ओ, इधर रुको। ये क्या है, ये कूड़ा किसका है? ये मैं बूढ़ी हूँ। अरे चाची, ये देखो, ये अपनी गर्लफ्रेंड का लेटर यहाँ फाल के फेंक दिया। मना कर रहे हैं चाची, गुस्से ही कूड़ा कचरा ना फैलाओ, लेकिन सुनते ही नहीं है। अरे चाची, ये एक साल से दबाए हुए रख रहे हैं लेटर। तो तुम ना बताओ, हमको पता ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया है, तो मेरे घर का सामना दिखता है तुम दोनों को। और क्या, मेरी शक्ल देख के लगता है कोई लड़की लेटर देगी? अरे बूढ़ा, तुम्हारी आंखें कमजोर है क्या? हर बार हम लोग पर इल्जाम लगा हुआ, तो लेटर लिखा है। उसकी शक्ल देखो कितना मासूम है, और तुम उसे बर्बाद करके रखे हो, मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकते हो, तो पकड़ो। अरे हम ना तुम है, उठा इसको। ये लेटर तुमरा और हमका टैग किया ना, चल तुझको बताते हैं। आप ये सारे बच्चों को देख रहे हैं, इन बच्चों ने लगभग 5 सालों से निरंतर थिएटर करते आ रहे हैं चबूतरा थिएटर फेस्टिवल में, जो इस बार 6ठा फेस्टिवल हुआ था चबूतरा थिएटर फेस्टिवल। इसमें इन तमाम बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाटक डायरेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाटक लिखते हैं, और सारे बच्चे हैं जो नाटक में अभिनय करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है खुशी। हाँ खुशी, आप कितने सालों से थिएटर से जुड़ी हैं? 5 साल। अभी रिसेंटली कौन सा नाटक किया था? वो हमारा अधिकार। हमारे बीच में नीलिमा है, पूरा नाम क्या है? नीलिमा चौधरी। नीलिमा चौधरी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th में पढ़ती है। तो आपने अब तक कितने नाटक किए? 20-25 के ऊपर कर लिया। हमें नवाब में, तुमने कौन सा कैरेक्टर किया था? बच्चे बने थे नवाब। नवाब की बेटी बनी थी तुम, वाह बहुत सही। आपका नाम? शिखा वाल्मीकि। अभी रिसेंटली तुमने कौन सी फिल्म की है जो अभी आई है? किनके साथ किया है? हीरो कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना के साथ कितने दिन का तुम्हारा काम था? 5-6 दिन। 6 दिन का था। तो तुम्हें कैसा लगा फिल्म में काम करके? सर बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर मस्ती भी किया, अच्छा भी लगा। कुछ सीखने को मिला? यस सर। क्योंकि फिल्में हमें सिखाती हैं, फिल्में क्या करती हैं? हमें सिखाती हैं, हर एक चीज़ नई नई चीज़ें हमें सिखाती हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमन। मोहम्मद अमन जी। और मैं चबूतरा थिएटर पाठशाला का एक स्टूडेंट हूँ। अमन, ये बताइए कि आपने कितने नाटक लिखे हैं अब तक? मैं 6-7। 6-7 नाटक लिखे हैं, और इनके नाटक लिखने पर राष्ट्रीय सहारा ने एक बहुत बड़ा लेख निकाला था, तब इन्होंने 4 नाटक लिखे थे, अब ये 7 नाटक लिख चुके हैं। और नाटक खुद आप डायरेक्ट भी करते हैं क्या लिखते हैं? डायरेक्ट भी करते हैं। अभी कौन सी फिल्म अभी आपकी आने वाली है? सर झलकी। कब पिक्चर आ रही है आपकी? सर ये 14 नवंबर। 14 नवंबर को इनकी पिक्चर आ रही है, एक बार जोरदार तालियों से आप इनको बधाई दीजिए कि इनकी फिल्म 14 नवंबर को आने वाली है झलकी। आप सभी लोग भी झलकी जरूर देखिएगा, फिल्म बच्चों पर आधारित है, बहुत प्यारी फिल्म है, चाइल्ड लेबर पर। कला क्या होती है, कभी भी अपने रख तक रखी नहीं जाती। हम सीख चुके हैं तो हमें आने वाले आगे लोगों को भी हमें सिखाना है, तभी तो कला हस्तांतरण होगी। नहीं तो आपने पढ़ाई कर ली तो आप बंद हो गए। आप तो पढ़ चुके हैं तो आप दूसरे को भी कलम पकड़ाए, पेंसिल पकड़ाए, कि आने वाला जो जनरेशन में हमारा दोस्त साथी है वो भी आगे पढ़ाई करे। काजल, हमारे भी काजल, तुमने कितने नाटक लिखे? सर 3 नाटक। कौन कौन से? छोटी उम्मीद, सोच और हमारा अधिकार।
हमारा अधिकार। झूठी उम्मीद में क्या था सर? उसमें ये था कि जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को नहीं समझते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद के बिना वो आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें ये दिखाया गया कि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जो बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनसे जो है वो बढ़ तो जाते हैं पढ़ तो जाते हैं, लेकिन तो उस पर आधारित इन्होंने झूठी उम्मीद नाटक लिखा था। काजल अभी आप कहाँ पढ़ रही हैं? यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही। कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। ठीक, क्या नाम है? आर्यन चौधरी। आर्यन चौधरी, आपने कितने नाटक किए? सर 10 से 15। 10 से 15 वहाँ लिखा है। तो आर्यन ने अभी, आर्यन आपकी एक पिक्चर आने वाली है पंकज कपूर के साथ, वो फिल्म का क्या नाम है? सर शहर। शहर। तो एक वेब सीरीज आपने की थी, किसके साथ की थी? सर कुणाल खेमू। कुणाल खेमू के साथ की थी। यस। तो एक बार आर्यन के लिए बहुत जोरदार तालियां। आर्यन की पिक्चर आने वाली है शहर। तो चबूतरा थिएटर के ये थे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो रेगुलर चबूतरा थिएटर के माध्यम से काम करते आ रहे हैं। अब वक्त हो गया है आज की कहानी सुनने का। नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं एक नई कहानी, और कहानी उस जंगल की, जंगल के राजा की। जंगल का राजा एक बार क्या हुआ, दहाड़ते वाओम करते हुए जंगल से इंसानों के बीच में आ गया। उसने देखा कि एक राजा हाथी के ऊपर बैठा है। उसके मन में आया कि राजा जो है हाथी के ऊपर बैठा है, मैं भी हाथी के ऊपर बैठूंगा। तो वो जुगत लगाने लगा कि कैसे हाथी के ऊपर बैठा जाएगा। बस वो जिधर भी जाता लोग उससे डर कर भाग जाते, तो वो अपनी भाषा में कहता, अरे तुम सब मुझसे दूर क्यों जाते हो, मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूं। लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम यहां ना रहो, तुम तो जंगल में ही सही हो, क्योंकि जंगल के राजा हो तो जंगल में ही बने रहो, हमारे यहां तो इंसानों के राजा ही सही हैं। सोचता था कि मुझसे लोग इतना डरते क्यों हैं, लेकिन उसको यह नहीं पता था, क्योंकि वो जंगल का प्राणी है, इंसानों के बीच का प्राणी नहीं है। लेकिन इंसानों के बीच के प्राणी होने के लिए उसे अपने अंदर का जानवर को निकालना होगा और इंसान बनकर के रहना होगा। तो वो हाथी के पास जाता है और सबसे कहता है कि हाथी के ऊपर सिंहासन लगाया जाए, मैं हाथी के ऊपर बैठूंगा। हाथी कहता है, अरे ये मेरे ऊपर बैठेगा, कहीं मैं दब के नहीं, सोचता है मैं तो इससे बड़ा हूं, विशाल काय हाथी हूं, मेरे पास तो इससे 10 शेरों का बल है। तो वो सोचता है ठीक है, लगा लेने दो सिंहासन। तो तमाम सारे लोग मिलकर हाथी के ऊपर सिंहासन लगाते हैं, और हाथी के ऊपर जैसे ही शेर छलांग मार के ऊपर बैठता है, और हाथी चलता है मंद मंद चाल में, तो शेर भी जो है ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है। अरे कहता है, अरे 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 अरे, अरे, अरे हाथी, अरे संभालो, अरे मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर। ओ धड़ाम से शेर गिर जाता है। तो वो कहता है, आइंदा से मैं कान पकड़ रहा हूं, मैं कभी भी ऐसी सवारी नहीं करूंगा, अरे मेरा तो पैर टूट गया। तो वो समझ लेता है कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए भाई, जिसका काम जो साधे वही करना चाहिए, मैं जंगल का राजा ही सही। और वो फिर पैर को लंगड़ाते लंगड़ाते जंगल की ओर रुखसत हो जाता है। तो प्यारो बच्चों, इस कहानी का मकसद ये था कि कभी भी किसी को देख करके आप उसकी नकल ना करें, जो आपको आता है, जो आप कर सकते हैं, उसी काम को लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से करें, क्योंकि वही आपकी पहचान बनाएगा। तो आज की इस कहानी को देखकर आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नीला जो बटन है घंटी का उसको दबाइएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखें, और सुनिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि तमाम सारे बच्चे इस खूबसूरत सी कहानी को देख सके। नमस्कार।